जय हिंद दोस्तों। वैकेंसियां निकली हुई हैं एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, और बताते हैं कि ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वैकेंसी हैं, काफी वैकेंसियां हैं जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग रखी गई हैं। बता दें कि 10th और 12th पास सभी भूतपूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो फायर फाइटिंग का डिप्लोमा मिलता है, आर्मी का फायर फाइटिंग का, सिक्योरिटी का, उसमें आप उसके लिए वो एलिजिबल हैं। जो भी आप फायर फाइटिंग का डिप्लोमा है वो इसमें एलिजिबल है, और सिक्योरिटी का जो डिप्लोमा है वो भी एलिजिबल है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये एनएफसी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और इसके जो फॉर्म भरने हैं 11/3/2022 2023, 11 मार्च 2023 से 10/4/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट 10/4/2023 है। इसके लिए पोस्टों की डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले चीफ फायर ऑफिसर की वैकेंसी है, जो फायर फाइटिंग में होते हैं। ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें बता दें 67,700 इसमें सैलरी रहेगी, प्लस डीए, और 40 साल एज मांगी गई है मैक्सिमम एज 40 साल। एज रिलैक्सेशन भी सब में दिया हुआ है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 56,000 की सैलरी है, और 35 साल एज इसमें मांगी गई जनरल कैटेगरी की। इसके बाद बात कर लेते हैं डिप्टी चीफ ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें 40 साल तक की एज मांगी गई है, सैलरी सेम है, 56,000 रुपये सैलरी है। स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 47,600 रुपये सैलरी रहेगी, पे लेवल 8 की सैलरी इसमें मिलेगी, इसमें भी 40 साल एज मांगी गई है जनरल कैटेगरी की। इसके बाद सब ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी, इसमें 35,400 रुपये बेसिक सैलरी है। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन कहें या ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी, फायरमैन की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 21,700 प्लस डीए इसमें मिलेगा। बता दें 27 साल इसमें जनरल कैटेगरी की एज मांगी गई है। अभी हम बात कर लेते हैं जो इसमें वैकेंसी निकली हुई है, इसमें SC ST OBC सभी की वैकेंसी पोस्ट वाइज डिटेल डिवाइड की गई है। चीफ ऑफिसर की एक वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की 3 वैकेंसियां हैं, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं, स्टेशन ऑफिसर की 7 वैकेंसी हैं, सब ऑफिसर की 28 वैकेंसियां हैं। इसके बाद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन की जो वैकेंसी हैं 83 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 47, SC के लिए 17, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 13 वैकेंसी हैं। इसी में जो फायरमैन की वैकेंसी है, इसी में 88 पोस्टों में 10 पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। टोटल 88 पोस्टों में 10 पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, इसमें दिया हुआ है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन। 88 वैकेंसी हैं, जिसमें 83 वैकेंसी, जिसमें 10 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखी गई है। अभी हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें 10th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 10th पास है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी चीफ फायर ऑफिसर में 12th पास होना जरूरी है, और संबंधित उससे डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं बड़ी पोस्टों में, उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है, लेकिन बाकी में डिप्लोमा नहीं जरूरत है। जिसमें फायरमैन की वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा नहीं जरूरत है, आपको 12th पास होना जरूरी है उसके लिए। इसमें दिया हुआ है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन, इसमें 12th पास होना जरूरी है। और बता दें जो सेना की आपके फायर फाइटिंग का एक सर्टिफिकेट होती है वो इसमें वैलिड है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसमें सैलरी तो मैंने पहले ही बता दी, इसमें फिजिकल टेस्ट आपका होगा, ध्यान रखें जो भी फायरमैन का है नॉर्मल फिजिकल टेस्ट वॉकिंग होगा, और 100 मीटर रनिंग होगी, जो इसमें सारी चीज दी हुई है आप देख सकते हैं। इसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें मैथ साइंस और GK के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश नहीं होगी ना हिंदी होगी, आप समझ सकते हैं मैथ साइंस और GK में क्या आएगा उसका आपको सिलेबस की तैयारी करनी है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।